चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द सीपेज एनालिसिस इन अवर रिविजन मॉड्यूल फॉर द सॉइल मैकेनिक्स। सीपेज क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सीपेज इज नथिंग बट दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। लेकिन सवाल ये आता है कि जो सर यहाँ पर सॉइल में से फ्लो होना है वो कहाँ से कहाँ होगा, डायरेक्शन क्या होगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पर्टिकुलर वाटर है वो हमेशा ही हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो करता है। बट ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती, हो सकता है अपवर्ड मूव करे, हो सकता है डाउनवर्ड मूव करे, लेकिन जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा वाटर उस डायरेक्शन में सॉलिड्स पे कुछ प्रेशर एक्ट करता है और वही प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं एज द सीपेज प्रेशर, और उसकी वैल्यू लिखी जाती है एज एच इंटू गामा डब्ल्यू। बट अगर मैंने ले मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि सीपेज फोर्स की वैल्यू क्या होगी तो आप इजिली बोल सकते हो दैट विल बी इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द सीपेज फोर्स। बट अगर मान लेते मैं आपको आई का फॉर्मूला पूछता हूं तो आप बोलते हो सर आई इज इक्वल्स टू एच बाय एल होता है, तो हेड लॉस कैन बी रिटन एज आई इनटू एल। इसलिए यही जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा एज आई गामा डब्ल्यू इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ को अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम लिख दूंगा तो यहाँ पर सीपेज फोर्स का इजिली फॉर्मूला मिल जाएगा आप लोगों को एज आई गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। बट अगर मान लें यहाँ पर मैं एक और टर्म पूछता हूँ आपको वॉट इज द स्पेसिफिक सीपेज फोर्स, तो आप इजीली बोल सकते हो सर स्पेसिफिक जब बोला है इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि दिस इज द सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दैट कैन बी रिटन एज आई गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो आप इजीली बोल सकते हो दैट विल बी इक्वल्स टू आई इंटू गामा डब्ल्यू। सो दैट इज योर स्पेसिफिक सीपेज फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉइल सॉलिड्स। बट अगर मान ले यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक केस लेता हूँ कि अगर मान ले जो पर्टिकुलर सीपेज हो रहा है वो अपवर्ड सीपेज हो रहा होगा तो किसी भी पर्टिकुलर सॉइल के सॉलिड पर दो तरह के फोर्स लग रहे होंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन। एक प्रेशर एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड दैट विल बी ड्यू टू इट्स वेट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड, जबकि इसी पर्टिकुलर सॉलिड पे अगर अपवर्ड सीपेज हो रहा है तो एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर जिसकी वैल्यू होती थी आई गामा डब्ल्यू इनटू जेड। बट अगर मान ले यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ व्हाट विल बी द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सॉइल सॉलिड्स, तो आप ये बोल सकते हो पॉजिटिव होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला दैट इज गामा सबमर्ज इनटू जेड, जबकि नेगेटिव लिया जाएगा आई गामा डब्ल्यू इनटू जेड क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। बट अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेस की जीरो वैल्यू होगी उस कंडीशन को आप बता दो कि वो कंडीशन क्या होगी, तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं एज अ क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि इक्वेशन क्या बननी चाहिए तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो एज गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड माइनस आई गामा डब्ल्यू इनटू जेड शुड बी इक्वल्स टू जीरो, और यहां से आप इजीली जो आई की वैल्यू निकालोगे दैट इज टेकन एज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और आईसी का फॉर्मूला बन जाएगा एज जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। सो ये जो पर्टिकुलर आईसी है या आईसी कुछ और नहीं बल्कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहलाता है। अगर मान ले कभी एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू आईसी से ज्यादा हो जाए तो ऐसे डायरेक्शन ऐसी कंडीशन में जो सॉलिड्स होंगे सॉलिड्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं एज अ क्विक सैंड कंडीशन। वहीं इसका जो दूसरा नाम होगा ऐसे में क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं ऐसी कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं एज अ सैंड बॉइलिंग ऑल्सो। बट इसके अलावा जो दूसरी नाम होगा यहाँ पर दैट विल बी द सैंड फ्लोटेशन ऑल्सो। वहीं इसके अलावा एक और नाम होता है क्योंकि इस कंडीशन में पाइपिंग भी बनती है इसलिए बोल सकते हैं दैट इज द पाइपिंग कंडीशन। बट अगर मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ पक्की बात है पाइपिंग हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छी नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर आप चेक करोगे व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग, और उसके लिए फॉर्मूला होता है उसमें एक न्यूमरेटर में यूज करते हो आईसी और डिनोमिनेटर में यूज करते हो एग्जिट ग्रेडियंट जिसकी वैल्यू सेफ होने के लिए हमेशा ही वन से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये थी बात फॉर द अपवर्ड सीपेज। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सीपेज को ही स्टडी करना चाह रहे हैं तो फ्लो नेट का भी यूज करा जाता है। फ्लो नेट क्या होता था इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है फ्लोनेट, आप लोगों ने एफएम में देखा है कि उसमें दो तरह की सेट्स रहते हैं ऑफ डिफरेंट लाइंस। जो ये पर्टिकुलर लाइंस है इसमें से एक लाइन का जो सेट होता है उनको हम लोग बोल देते हैं एज द स्ट्रीम लाइंस और फ्लो लाइंस। तो जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यूज आप दिखा रहे हो फॉर दीज लाइंस, तो ये सारी जो लाइंस है ये लाइंस क्या कहलाती है एज अ स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस का मतलब ये होता था कि ऐसी लाइन जिस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको फ्लो की डायरेक्शन बताती थी। वहीं इसके अलावा जो दूसरा सेट ऑफ लाइंस दिख रही है यहाँ पर दीज लाइंस आर एक्चुअली नोन एज इक्विपोटेंशियल लाइंस। इक्विपोटेंशियल लाइंस मतलब ऐसी लाइंस जिनके हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल इक्वल है। तो जैसे मान लेता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसमें हर एक पॉइंट पे
हेड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू 100 मीटर है, तो अगले वाले में 90 मीटर होगी, अगले वाले में मान लेता हूं 80 मीटर और नेक्स्ट में 70 मीटर का हेड है। सो यहां पर अगर मैं आपको पूछता हूं कि टोटल कितने यहां पर इक्विपोटेंशियल लाइंस बनी होगी इस पर्टिकुलर आपके फ्लो नेट में, तो आप ये बोल सकते हो दैट द नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस इन दिस पर्टिकुलर फ्लो नेट आर काउंटेड एज 1, 2, 3 एंड 4। टोटल यहां पर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस जो दिख रही है दैट आर 4। बट अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट आर द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस इन दिस पर्टिकुलर फ्लो नेट, तो आप स्ट्रीम लाइंस भी काउंट कर सकते हो एज 1, 2, 3 एंड 4। टोटल यहां पर स्ट्रीम लाइंस भी 4 है और इक्विपोटेंशियल लाइंस भी 4 है। यहां पर यह भी बात ध्यान रखना कि अगर मैं पूछता हूं कि भैया बताओ टोटल कितनी बार ड्रॉप हुआ है, तो पहला जो ड्रॉप हुआ है वो 100 से 90 हुआ, दूसरा हुआ 90 से 80, तीसरा हुआ आपका 80 to 70। इसका मतलब कि अगर मैं आपको पूछता हूं कि भैया व्हाट आर द नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ पोटेंशियल, तो आप यहां पर बोलोगे सर टोटल 3 बार ड्रॉप हुआ है। बट अगर मैं पूछता हूं कि भाई टोटल ड्रॉप कितना हुआ है, तो टोटल ड्रॉप को आप बोल दोगे एज द कि सर 100 से 70 हो गया, इसका मतलब टोटल ड्रॉप इज 30 मीटर। नंबर ऑफ ड्रॉप्स को मैं डिनोट करता हूं बाय एनडी, टोटल ड्रॉप को मैंने ऑलरेडी डिनोट करा है बाय कैपिटल एच। बट अगर मैं पूछता हूं कि भैया ये बता दो कि हर बार इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर हर बार 10-10 मीटर के यहां पर ड्रॉप हुआ है, दैट मींस दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर। सो यहां पर आप एक रिलेशन निकाल सकते हो एज एनडी विल बी इक्वल्स टू एच अपॉन डेल्टा एच। ये रिलेशन भी आप लोग के एग्जाम्स में काम आ सकता है। यहां पर दो बातें और ध्यान रखने वाली है कि जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, अगर हम लोग नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करें इस पर्टिकुलर इक्वेशन इस पर्टिकुलर फ्लो नेट में, तब बोलोगे सर कितनी बार ड्रॉप हुआ, 1, 2, 3 बार ड्रॉप हुआ है, जबकि इक्विपोटेंशियल लाइंस कितनी थी, 4 थी। इसका मतलब यहां पर एक रिलेशन मिल जाएगा आपके पास दैट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस को अगर मैं 1 से कम कर दूंगा तो मेरे को हर बार क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स की वैल्यूज मिल जाएगी। सो यू कैन से दैट नंबर ऑफ ड्रॉप्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस 1। यहां पर एक और टर्म ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पर्टिकुलर दो एडजेसेंट स्ट्रीम लाइंस है इनके बीच का जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को या इवन इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एज अ फ्लो चैनल्स। तो अगर आप इस पर्टिकुलर आपके फ्लो नेट में चेक करें तो फ्लो चैनल्स कितने दिख रहे हैं, पहला फ्लो चैनल ये दिख रहा है, दूसरा फ्लो चैनल यहां से दिख रहा है, तीसरा फ्लो चैनल यहां से दिख रहा है आपको फ्लो होता हुआ। सो अगर मैं यहां पर फ्लो चैनल्स की बात करता हूं, तो फ्लो चैनल्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हर फ्लो चैनल के अंदर जो फ्लो होगा वो फ्लो की वैल्यू इक्वल होती है। इसका मतलब तीनों में ही जहां पर फ्लो चैनल्स दिख रहे हैं, तीनों में से फ्लो कितना होगा, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू फ्लो होगा। तो अगर मैं यहां पर आपको पूछता हूं कि चलो मेरे को ये भी बता दो टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, तो आप इजीली बोल सकते हो एज नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इनटू स्मॉल क्यू। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि आपको एग्जाम्स में काम आ सकता है। कैपिटल क्यू और यहां पर आपको अगर स्मॉल क्यू में अगर यहां पर हम लोग मैं पूछता हूं कि चलो मेरे को ये बता नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने थे टोटल, तो आप ये बोलोगे सर 3 फ्लो चैनल्स थे। बट अगर फ्लो लाइंस कितनी थी ये पूछा जाए, तो आपने बोला था सर 4 थी। एक और फ्लो लाइन अगर मैं बढ़ा देता हूं तो वहां पर फ्लो चैनल्स भी एक बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो दैट नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्लो लाइंस माइनस 1। तो ये भी एक फॉर्मूला था जिस पे ऑलरेडी आपको सवाल आ चुका है गेट में। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका जो पर्टिकुलर फ्लो नेट है इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहां पर सबसे नेक्स्ट टर्म आ जाती है दैट इज नोन एज फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड की बात करें तो फ्लो फील्ड क्या होता है, तो दैट इज एक्चुअली द एरिया बाउंडेड बाय टू एडजेसेंट स्ट्रीम लाइंस एंड टू एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन। तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको आप लोग बोलते हो एज द फ्लो फील्ड, या इवन ये भी जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसको आप क्या बोलोगे, एज द फ्लो फील्ड। लेकिन जो फ्लो फील्ड है उसका शेप क्या होता है, तो इसके लिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर मान ली यूनिफॉर्म फ्लो है तो ये जो पर्टिकुलर फ्लो फील्ड होगी वाई द स्क्वायर होगी या फिर कर्वी लीनियर स्क्वायर रहेगी। बट अगर मान ले जो पर्टिकुलर आपका फ्लो फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म होने पर उसका जो शेप होगा वो आइदर रेक्टेंगुलर होगा और होगा कर्वी लीनियर रेक्टेंगल। सो ये था आपका फ्लो नेट के बारे में। लेकिन ये फ्लो नेट है इसके कुछ एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में यूज हुई है। जो पहली एप्लीकेशन है दैट इज फॉर द सीपेज डिस्चार्ज, और सीपेज डिस्चार्ज अगर हम लोग टोटल डिस्चार्ज यहां पर कैलकुलेट करना चाहे तो उसका फॉर्मूला बन जाता है एज के इंटू एच इंटू एन एफ अपॉन एन डी।
ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला इस पे बेस्ड ऑलमोस्ट हर साल सवाल मिला है फ्रॉम द लास्ट 5 इयर्स इन गेट, बट अगर आप इस फॉर्मूले में चेक करें तो के इज नथिंग बट के इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जबकि जो एच है एच इज द टोटल हेड लॉस इन द फ्लो नेट, वहीं जो एन एफ और एन डी, एन एफ इज द नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एंड एन डी इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स। ये जो पर्टिकुलर एन एफ अपॉन एन डी का रेशियो होता है इसको बुलाया जाता है एज द शेप फैक्टर, ठीक है। तो ये तो थी पहली एप्लीकेशन ऑफ द फ्लो नेट। जो दूसरी एप्लीकेशन है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट क्यों जरूरी है, तो हम लोगों ने इसके पहले बात करी कि सर अगर आप मान लें एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू आपके क्रिटिकल ग्रेडियंट से ज्यादा हो गई तो पाइपिंग हो सकती है, लेकिन एग्जिट ग्रेडियंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एग्जिट ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये चेक करोगे कि लास्ट फ्लो फील्ड में कितना हेड लॉस हुआ है और उस पर्टिकुलर फ्लो फील्ड की लेंथ कितनी है। सो यहां पर जो एल एन लिख रहा है, एल एन इज नथिंग बट दैट इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ अ फ्लो फील्ड विच इज एट द एग्जिट। सो ये थे आपके सारे फॉर्मूले जिन पे बेस्ड अभी तक गेट में सवाल आए हैं। इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से यहां पर याद रखें और रिविजन खत्म होता है ऑफ अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर सीपेज एनालिसिस। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारे यहां पर कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल।